नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म की 26वें दिन की कथा, अध्याय 26 में उद्यापन के बाद व्रत त्याग की विधि एवं धर्म वर्णन। वाल्मीकि जी बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए, विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक धारण किए हुए नियमों को उद्यापन के बाद त्याग की विधि बताता हूँ। हे राजन, नक्त व्रत, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य व्रत की समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे। आयचित व्रत अर्थात बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी को ही खाकर जिसने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है वह स्वर्ण दान करे। अमावस्या को भोजन का नियम करने वाला दक्षिणा सहित गौ दान दे। आंवले से स्नान करने वाला दान में दही या दूध दे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फल दान दे, तेल छोड़ा है तो घी दान दे, घी का नियम लिया है तो दूध दान दे। हे राजन, अन्न का नियम लिया हो तो गेहूं और चावल दान में दे। हे नृपश्रेष्ठ, पृथ्वी में शयन करने वाले नियम में रुई का गद्दा, तकिया और चद्दर सहित शैया दे। पत्तल में भोजन करने वाला घी और खांड का दान कर ब्राह्मण को भोजन करावे। मौन व्रत में सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन करावे तथा स्वर्ण सहित घंटा और तिल का दान दे। हे राजन, नख और बाल ना बनवाने के नियम में दर्पण देना चाहिए। जूता पहनना छोड़ा हो तो जूतों का दान दे। नमक त्यागने पर अनेक प्रकार के रस दान दे। दीप दान किया हो तो पात्र सहित दीप दान करे। भक्ति में अधिमास में जो मनुष्य इस प्रकार करता है वह सदा वैकुंठवास करता है। तांबे की कटोरी में घी और स्वर्ण की बत्ती रखकर दीप का दान करे। व्रत की संपूर्णता के लिए चाहे एक पल का ही दान करे। एकांतर उपवास में वस्त्र उड़ाकर स्वर्ण के टुकड़े सहित सोने के या मिट्टी के 8 घड़े दान में दे। मास के अंत में छाता, जूतों सहित 30 लड्डुओं का दान करे और बोझा ढोने लायक बैल दान में दे। इन सब के अभाव में या असमर्थ होने पर हे राजन, सब व्रतों का सिद्धिदाता ब्राह्मण का आशीर्वाद होता है। संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मण का आशीर्वचन कहा गया है, अर्थात ब्राह्मण से आशीर्वचन मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मनुष्य एकमात्र अन्न से मलमास को बिताता है वह मनुष्य विष्णु रूप हो परम गति को प्राप्त होता है। इस संसार में एक अन्न से उत्तम कुछ भी नहीं है। एक अन्न के सेवन से सिद्ध मुनिजन उत्कृष्ट मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य अधिमास में रात्रि में भोजन करता है वह राजा हो सब कामनाओं को प्राप्त करता है, उसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रातःकाल देवता भोजन करते हैं, दोपहर को मुनिजन, तीसरे पहर में पितृगण भोजन करते हैं और चौथे पहर में मनुष्य अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए भोजन करे। हे राजन, जो सब समय को व्यतीत कर चौथे पहर में भोजन करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाले को सबसे अधिक पुण्य मिलता है और वह प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। जो हरि भक्त अधिमांस में उड़द नहीं खाता है वह सब पापों से छूट जाता है। और जो पापी ब्राह्मण होकर भी कोहलू में तेल पेरता है, हे राजन, वह जितना तेल पेरता है उतने तिल की संख्या के बराबर रौरव नरक में रहकर अंत में चांडाल की योनि प्राप्त करता है तथा कोड़ी होता है। जो मनुष्य इस अधिमास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास करता है वह विष्णु रूप हो, देवताओं से पूजित तथा अवसराओं से सेवित हो विष्णु लोक को जाता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी को एक बार भोजन करे। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो ऐसा करता है वह स्वर्ग में जाता है। हे राजन, कुशा के आसन को न त्यागें। जो पुरुष कुशा से मल, मूत्र, कफ या रुधिर को साफ करता है
अर्थात झाड़ का काम लेता है, वह विष्टा का कृमि होता है। कुशा अत्यंत पवित्र होती है। कुशा के बिना सभी धर्म क्रिया व्यर्थ है, क्योंकि कुशा की जड़ में ब्रह्मा, बीच में जनार्दन और अग्रभाग में शंकर जी निवास करते हैं। इसलिए कुशा से मार्जन करें। शूद्र प्रवृत्ति का व्यक्ति जमीन से कुशा को न उखाड़े और कपिला गाय का दूध न पीवे। हे भूपते, न ढाक की पत्तल में भोजन करे, न यज्ञ का बचा हुआ अन्न खावे, न कभी कुशा के आसन पर बैठे और न ही यज्ञोपवीत धारण करे, न वेद की कोई क्रिया करे। यदि विधि विधान का परित्याग कर जो शूद्र प्रवृत्ति का व्यक्ति मनमाना आचरण करता है तो वह अपने पितरों सहित नरक में जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है। तत्पश्चात वह मुर्गा, सुअर और बानर की योनि पाता है। इसलिए शूद्र प्रवृत्ति का व्यक्ति कभी ब्राह्मण जैसा होने का दिखावा न करे। हे राजन, ब्राह्मणों के आशीर्वचन और नमस्कार करने से शूद्र प्रवृत्ति का नाश होता है। हे महाराज, इतना करके व्रत परिपूर्ण होता है और ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक में जाता है। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कौड़ी होता है। हे भूप, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मनुष्य स्वर्ग को जाता है। अतएव कल्याण की इच्छा करने वाला विज्ञानी पुरुष ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे। यह मैंने कल्याणकारी, पापनाशक और शुभ फल देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला और मन को आनंद देने वाला उत्तम धर्म का रहस्य तुम्हें बतलाया है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा 26वां अध्याय समाप्त।